हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18 डी का क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का 6th वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आईसीएसई मैथ की बुक का, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बोला गया क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 7.0 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। मतलब ये कि एक हमें पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम मतलब ऐसा होता है कि एक चतुर्भुज ऐसा होता है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसमें जो सामने वाला आर्म होता है पैरेलल होता है, ठीक है, एक दूसरे के सामने वाला आर्म पैरेलल होता है, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। और साइज भी सेम होता है आर्म का एक दूसरे के सामने वाले आर्म का, ठीक है, तो वो होता है पैरेललोग्राम। एक हमें पैरेललोग्राम बनाना है जिसका नाम होगा एबीसीडी और जिसमें दो डायगोनल दिए गए हैं, एक का नाम है एसी और दूसरे का नाम है बीडी। तो पहले डायगोनल का लेंथ होगा 6.3 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल बीडी का लेंथ होगा 7.0 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। और दोनों डायगोनल जहां पे कट करेंगे वहां एक एंगल बनेगा 45 डिग्री का एंगल। तो यही हमें दिखाना है, ठीक है। डायगोनल किसमें रहेंगे? पैरेललोग्राम के अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा जिसका नाम होगा ए बी सी डी, हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। यह है रफ फिगर। कौन सा फिगर? रफ वाला, रफ फिगर, यह है रफ फिगर। और दूसरी बात, पहले डायगोनल जिसका नाम है एसी, जिसका लेंथ होगा 6.3 सेंटीमीटर, ये इधर है सी इधर है, तो इसका लेंथ होगा 6.3 सेंटीमीटर। और दूसरा डायगोनल है 7 सेंटीमीटर जिसका नाम है बीडी, जिसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ये तो रहा रफ फिगर। अब हम बनाएंगे इसका फेयर फिगर। फेयर फिगर में सबसे पहले हम ड्रा करेंगे डायगोनल एसी को, ठीक है, डायगोनल एसी को ड्रा कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले से ही पैरेललोग्राम को ड्रा कर लेंगे तो हम जो है एसी को जब ड्रा करेंगे तो हम साइज कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि 6.3 सेंटीमीटर कैसे बने, तो इसलिए पहले से ही हम जो है डायगोनल को ड्रा कर लेते हैं। डायगोनल क्या है? एसी। एसी का लेंथ है 6.3 सेंटीमीटर, ये हो चुका है 6.3 सेंटीमीटर। स्केल पे हम कैसे देखेंगे? जैसे स्केल पे कुछ इस तरीके से लिखा गया होता 3, 4, 5, 6, 7 होता है आगे, तो हमें क्या चाहिए? 6.3 चाहिए। 6 इधर है, 6 और 7 के बीच में लगभग 10 लाइंस होते हैं, तो 1, 2, 1, 2, 3, यहाँ 3 है, तो यही बन गया 6.3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए था? 6.3 सेंटीमीटर। ये हम ड्रा कर चुके हैं पहले से ही अंदाजे ही, हमने जो है स्केल का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ स्केल का यूज होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, ठीक है। तो हमने 6.3 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एसी का हम सेंटर मानेंगे ओ, यहां हम मान लेते हैं ओ, ये है ओ, ठीक है, और ओ पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला डायगोनल है बी डी, जो 7 सेंटीमीटर लंबा है, और पहला वाला डायगोनल एसी, दोनों जब कट कर रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एसी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे फिर उसका आधा कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि 90 का आधा होता है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है।
तो यहां है पहले ए को सेंटर मानते हैं, यहां कट करेंगे, सी को सेंटर मानते हैं, यहां कट करेंगे, इसी तरीके से यहां और यहां कट हो जाएगा और मिला देंगे हम इसको इस तरीके से। हो चुका है, मिल चुका है। तो यहां जो बन रहा है एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक तरीके से और हम बना सकते थे लेकिन वो वाला तरीका हमने यूज नहीं किया है। तो यहां से हम सेंटर मानेंगे तो यहां से कटेगा, तो पहला है 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है तो इसको सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, पहला वाला कर्व इधर खींचेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, पहले दूसरा वाला कर्व इधर खींचेंगे, कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। फिर इसको ले जाके हम मिला देंगे इससे, ठीक है, और इसको यहां से ले जाके मिला देंगे इससे। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि AC इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर और ये दूसरा वाला जो है BD है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर मतलब 7 का आधा क्या होता है 3.5, 3.5 प्लस 3.5 क्या होता है 7.0, 3.5 × 7। तो इसको सेंटर मानकर 3. पहले स्केल पे 3.5 सेंटीमीटर लेंगे, 1 2 3 4 5, 3.5, 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइंस होते हैं, तो यहाँ 5 पे जाएंगे, 3.5 ही मिल जाएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर का जो है दूरी लेके उसको ओ को सेंटर मानकर यहाँ 3.5 सेंटीमीटर पे कट करेंगे, इसे घुमा के यहां से कट करेंगे। तो यहाँ 3.5 यहां से यहां तक है, 3.5 यहां से यहां तक है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया बी डी। ये था ए सी, ये है बी डी, बी ये है डी। अब हम क्या करेंगे, सभी को हम मिला देंगे, ये है सी, ये हो गया ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, बन चुका है डायगोनल, जिसका जो है एक यह है 45 डिग्री का एंगल, यह है पूरा 7 सेंटीमीटर का डायगोनल बी डी। तो क्या हो गया, दो डायगोनल बन चुके हैं, एक है 6.3 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल जहां कट कर रहे हैं वहां 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये है इसका फेयर वाला फिगर। अब आई मुद्दे की बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं तो अनलाइक डिसलाइक जो भी करना है कर सकते हैं, ठीक है, बाय।